कभी सास कभी बहू। क्या हुआ डैडी, आप ठीक तो हैं? वीरू, कल रात अपने फ्रेंड के घर खाना खाने गए थे, भांग तो नहीं खा के आए? इसमें देखो, इसमें क्या छपा है? क्या क्या छपा है? वही बता रहा हूँ, पढ़ो तो। इसमें ये छपा है, एक एक लड़का ना गुम हो गया है, उसके बाप ने ये निकलवाया है कि बेटा जब से तुम घर से गए हो तुम्हारी मम्मी ने खाना डबल कर दिया। डबल कर दिया। और हम सब घर वाले तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा प्लीज घर वापस मत आना। जहाँ हो वहां से और दूर चले जा। How rude. कितनी गलत बात है। कैसे आज ये देख। सीरियसली ये क्या है? क्या आप क्या है? ये लापता में काजल की फोटो छपी है। काजल की फोटो? ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें छपी है मम्मी, ये देखो काजल ही तो है। हाँ हाँ, ये क्या है? सच में दादी माँ, हमारी फोटो कैसे इसमें? इस औरत इस लड़की की शक्ल तो हूबहू मुझसे मिलती है। देखो, अरे देख तो। मतलब भगवान ने एक ही गलती दोबारा रिपीट कर ली। मोहित, मतलब ये तेरी फोटो नहीं है? नहीं दादी माँ, देखो देखो। अरे नहीं नहीं मम्मी, ये तो कोई यंग सी लड़की है, ये करोड़पति की बेटी है। करोड़पति? फिर ये काजल नहीं हो सकता। I'm gonna kill you, जरा पढ़ तो है माँ, पढ़ पढ़। जी मम्मी जी, कैसे फोटो लिखी, ऊपर लिखा लापता और बेटी कजरी तुम कहाँ हो, जब से तुम गायब हो गई हो तुम्हारे पति की सेहत बहुत खराब हो गई है। दरअसल दामाद जी अब चंद दिनों के नहीं चंद घंटों के मेहमान है, वो बस एक बार तुम्हें देखना चाहते हैं, उन्हें उनकी आखिरी ख्वाहिश समझकर आ जाओ। एंड साइंड तुम्हारे डैडी मम्मी ससुर जी और सासू। एक मिनट, कुछ विशेष सूचना है। कजरी शर्मा का अता पता बताने वालों को या उसे ढूंढने वालों को 5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। 5 लाख? तुमने एक जीरो एक्स्ट्रा नहीं लगा दिया? देखो 5 लाख लिखा, 5 करोड़ थोड़ी 5 लाख ही लिखा। 500 रुपए के बदले 5 लाख तो नहीं? दिस इज बैड, किसी ने ना बहुत ही घटिया मजाक किया है। इस न्यूज़पेपर के एडिटर की तो मैं अच्छे से खबर लूंगी, छोड़ूंगी भी नहीं। अरे काजल, काजल रुको, काजल काजल काजल, हो सकता है ना वो औरत तुम्हारी हमशक्ल हो, एडिटर को फोन करने की क्या जरूरत है? ओहो बड़ी साई, एडिटर को कौन फोन कर रहा है? मेरे पास ना एक फर्स्ट क्लास आइडिया है। मुझे पता है तुम एडिटर पर केस करोगी। अरे केस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो 2 मिनट चुप रहोगे, मेरा आइडिया सुनोगे? क्या आइडिया? दामाद बाबू कमाल हो गया, दामाद बाबू खुशखबरी है जी, खुशखबरी। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब, कुछ नहीं होगा है? मैं ऐसी खुशखबरी लाया हूँ जिसे सुन के दामाद जी उठ बैठेंगे जी। अच्छा, ऐसी क्या खुशखबरी लाए समधी जी? अजी मुबारक हो शर्मा जी, मुबारक हो, मुबारक हो। अजी किस बात की मुबारक जी? अजी हमारी बिटिया और आपकी बहू कजरी मिल गई। मिल गई? अरे वाह। एक्सक्यूज मी, यह शर्मा जी कौन है? मैं हूँ शर्मा। आप तो जी मरने वाले थे। इस त्यौहार में तो ये सब पाया था आपने कि आप चंद घंटों के मेहमान हो। अरे ये इश्तिहार इनके बारे में नहीं है, ये इनके बेटे शेखर शर्मा के बारे में है। महाराज जी कंफ्यूज मत करो, साफ साफ बताओ किससे मिलूं जो मुझको 5 लाख रुपए मिल जाए। ओहो आप भी वो आदमी है जी, आप भी है। अरे शर्मा जी, इन्होंने हमारी बिटिया को ट्रेन से उठा लिया। उठा लिया? हाँ उठा लिया। क्या मतलब है जी आपका? महाराज हमने ढूंढा है उसको, बायकायदा। लेकिन वो है कहाँ? हाँ हाँ जी, वो 5 लाख रुपए सर। वो 5 लाख? 5 लाख क्या लगा रखा है?
रुको। हाँ दे दे दीजिए दे दीजिए। ये ब्रीफ केस देखो, इसमें हमने कजरी बिटिया के लिए 5 लाख क्या 10 लाख का इंतजाम कर रखा है। 10 लाख? ये तो गलत बात है महाराज, चीटिंग है। इश्तिहार में तो आपने सिर्फ 5 लाख लिखा था। ओहो, 10 लाख के बारे में हम अगले हफ्ते के एड में लिखने वाले थे। अच्छा जी महाराज, कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी ना है, मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगा। अजीब आदमी हो तुम, पहले हमारी बिटिया को हमारे सामने तो लाओ, जितना चाहे इनाम ले लेना। अच्छा जी ठीक है ठीक है। कजरी, ओ कजरी, इधर आ जा। जय जी हम तेरी याद में कैसे जी रहे थे, कहाँ थी बोल बेटा। थोड़ी ना बोल पाएगी, इसकी याददाश्त जा चुकी है। याददाश्त खो गई है? मुझे तो लगता है याददाश्त के साथ साथ इसके वो सारे जेवर भी खो गए जो इसे दहेज में मिले थे। और भी बड़े महाराज जी, ये आपने बहुत छोटी बात कर दी है। इतनी अच्छी फूल जा की बहू आपको वापस मिल गई, आपको उसकी ना पड़ी है, आपको जेवरात की पड़ी है थी महाराज। अच्छा बेटा चलो आप अपने पति से मिलो। अरे ये क्या कर रही है बेटा, अपने उस पति से मिल जो तेरी याद में बीमार हो गया है, इससे थोड़ी। अम्मी जी ये मोहित और काजल सुबह से नहीं दिख रहे, जानते कहाँ गए होंगे? कहाँ गए होंगे भाई, बच्चे ऑफिस गए होंगे, आज आएंगे। वीरू ये तेरी बीवी है ना, परेशान होने का खामखा नाटक कर रही है। नाटक और नहीं तो क्या, वो क्या दोनों छोटे बच्चे हैं जो कहीं पे भी गायब हो जाएं? अरे वैसे भी अगर गायब भी हो गए तो क्या है, उनकी एड निकाल देंगे लापता में, शादीशुदा गुमशुदा। जो भी मुंह में आते भक्ति हो तुम। मम्मी लो आ गया तुम्हारा मोहित। एक मिनट जनाब, आप कहाँ गायब थे सुबह से? गायब नहीं था मम्मी, पूरे 10 लाख रुपए कमा कर आया हूँ मैं। 10 लाख? हाँ ये देखिए। ओह माय गॉड, ना पैसा मैंने पहले कभी एक साथ नहीं देखा है। दादी माँ, मम्मी बेहोश हो रही है, मम्मी बेहोश हो रही है। चप्पल जुगाओ। नाटक। बेटा इसमें से कुछ पैसे तुम मुझे बिजनेस के लिए दोगे? नहीं नॉट एट ऑल। एक मिनट मोहित, पहले बताओ ये पैसे आए कहाँ से? अरे कहाँ से आए होंगे, लॉटरी निकली होगी इसके। नहीं बेटा कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है। तो काजल का फोटो तो सुबह देखा ही था ना पेपर में। वो कजरी शर्मा। हाँ तो बस मैं काजल को कजरी बनाकर मिस्टर शर्मा के घर में पहुंच गया। क्या पागल हो गए, तूने बहू को दूसरे लोगों को हैंडओवर कर दिया? हेलो एक मिनट, मतलब अब काजल अवस्थी नहीं कजरी शर्मा बन गई? ओहो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। हे बिटिया तू आ गई। मम्मी मेरा बच्चा। रुके ना, अरे एकदम ओके। अच्छा ठीक तो लग रही है, लेकिन ये सब क्या मतलब? ये बिल्कुल कजरी लग रही है, कजरी शर्मा। अच्छा वो फोटो वाली। ओके काजल तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी जल्दी कैसे खिसक के आ गई वहाँ से? अरे वो जो मेरा हस्बैंड था ना, वो पेशेंट जिसकी मैं बीवी बनकर गई थी, वो कोमा से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था और नर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो कहती है कि मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आती हूँ, और पेशेंट को ना मेरे हवाले करके चली गई। फिर क्या, जब सब इधर उधर हो गया ना, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता खिसक के आई। इंटेलिजेंट, ग्रेट। ये देखो तुम्हारा आइडिया कितना फायदेमंद साबित हुआ। पूरे पैसे मिल गए। यस लेट्स सेलिब्रेट। कभी सास कभी बहू, कभी सास कभी बहू बहू। ये सच में नहीं है, समूची पार्टी बहुत अच्छी थी। और ये फ्राइड आइटम मम्मी, ये आधा समोसा बचा है तुम खा लो, मुझे गैस हो गई। ओके खाने में कुछ और बचा है? हाँ डैडी जी खाने में नहीं, मैं ना घर के हर सदस्य के लिए एक एक गिफ्ट लाई हूँ। मुझे बड़ा वाला चाहिए, बड़ा वाला, सबसे बड़ा। क्यों क्यों क्या, वो इश्तिहार सबको मैंने ही दिखाया था। ये रहे
कप केक के मोहित तुम्हारे लिए अलार्म क्लॉक क्योंकि तुम सुबह कभी जल्दी नहीं उठते। डार्लिंग तुम रात भर सोने दो तब तो मैं उठूं ना जल्दी। और डैडी जी आपके लिए स्पेशल शेविंग किट ताकि आप अपनी शेव थोड़ा ठीक से कर सकें। बेटा थैंक यू तुम लाई, अगर तुम नहीं लाई होती ना तो मैं ही लेके आती क्योंकि ये भी। और दादी माँ आपके लिए ये सुंदर सा सोने के फ्रेम वाला चश्मा। थैंक यू, अब मैं इस पर कड़ी नजर रख सकती हूँ। एंड मम्मा आपके लिए ये नहीं सॉरी आई डोंट लाइक दिस। क्या है ना कि किसी करोड़पति की नकली बीवी बनके पैसे लेने का आइडिया तो मुझे शुरू से ही खलता। अगर पकड़े गए तो इमेजिन। अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, हम थोड़ी अपना एड्रेस दे के आए हैं वहाँ पर। और तो और मोहित तो भेस बदल कर गया था। मोहित एनीवेज, और जो पैसे हम लोग को मिले थे ना पता है उसमें से एक हिस्सा मैंने वर्ल्ड टूर पे लगा दिया है। कौन कौन जा रहा है? मैं और मोहित पूरे फैमिली के साथ। I am not okay with this. अरे मम्मा I'm okay. ये कोई आया है? वर्ल्ड टूर पे ना प्लेन का दरवाजा भी मुझसे ही खुलवाना। हाय सरला। आओ 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 सरला, हाय आओ प्लीज। अरे हिमा बाहर एक आदमी घूम रहा है और काजल को ढूंढ रहा है, कह रहा है वो उसका पति है। कौन? अरे ये तो नहीं पता कौन है पर लगता है बहुत ही अमीर आदमी है। एक लंबी सी गाड़ी है उसके पास, साथ में ड्राइवर भी है और हाथ में काजल की फोटो है। कहता है ये मेरी पत्नी है कजरी। कजरी काजू काजू तुम कहाँ चले गए? अरे अरे चले गए। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे दादी अरे चलो काजू। अरे काजू आ जा ये बाजू। क्या पागल हो गए हो क्या तुम? कजरी नहीं है वो, मेरी बीवी है काजल। ये कैसे हो सकता है? अरे सही कह रहे हैं भाई साहब, ये कोई कजरी वजरी नहीं है, ये हमारी काजल है, इसकी बीवी। हाँ यस। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है क्या मतलब? ये झूठ बोलेगी क्या? ये हमारी बहुत पुरानी नेबर है, हम झूठ बोल सकते? ये थोड़ी झूठ बोले। कैसे हो सकता है? मैं पूछती हूँ काजल, ये सब हरकत करने की जरूरत ही क्या थी? वो मामा मुझे लगा कि मेरा आइडिया ना बहुत अच्छा है, इसीलिए। बहुत अच्छा है रियली काजल, अब जाके पैसे लौटा के आओ। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, सारे पैसे तो खर्च हो गए ना। खर्च हो गए ऑन डेडी? हाँ किसमें? वो थोड़े से मैंने वो टूरिस्ट कंपनी में जमा करा दिए थे और थोड़े से की याद है वो सबके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आई थी और थोड़े से की ना मैंने ये ज्वेलरी खरीद ली, गहने। यस एक मिनट, इस तरह से आप लोग अंदर क्यों घुसे चले जा रहे हैं? अरे मैं कजरी की सास हूँ, मैं उसे ढूंढने आई हूँ। काजू एक मिनट, यहाँ पे कोई भी काजू और पिस्ता नहीं रहता है, सो प्लीज। ऐसे कैसे नहीं? मैंने अपनी आंखों से अपनी कजरी को यही देखा है मम्मी। एक मिनट, लेट मी क्लियर वन थिंग। आपने अपनी आंखों से जिसको देखा होगा एक्चुअली वो हमारी बहू होगी काजल। वो ही। अरे मैं उसे ही देखना चाहती हूँ। अरे हमारी बहू कोई नुमाइश की चीज नहीं है जो आपको हम दिखाएंगे। हेलो हेलो। और हमारी बहू भी कोई फुटपाथ पे गिरी पड़ी नहीं कि आप लोग उठाकर उसे घर में रखें। और हाँ ऊपर से उसके डैड ने पूरे 10 लाख रुपए दिए उसे ढूंढ कर लाने वाले को। देखिए मैं आएगा, हटो हमें अपनी बहू को ढूंढने दो। हाँ मम्मी आप उस कमरे में जाकर ढूंढो और मैं इधर देखता हूँ। सुनिए मैं हटो, एक्सक्यूज मी काजू। हमारे रूम में घुस गए, हाय मर गए, अब क्या होगा? डोंट वरी मम्मी ना काजल को छुपा लेगी। मम्मी एक गड़बड़ हो गई। अरे अब तूने क्या गड़बड़ कर दिया बच्चे? वो मम्मी एक जगह ज्वेलर शॉप में मैंने काजल को देखा और तो मैंने उसे काजू कह के पुकारा। हाँ। और वो शेखर शेखर करते हुए मेरे पीछे आ गई। क्या? कभी सास कभी बहू, कभी सास कभी बहू।
अरे कौन हेतल? हेतल नहीं, हेतल मेरे पति हेतल। शेखर? अरे मैं शेखर नहीं हूँ। क्यों कपट खेल रहे हो मेरे साथ? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ हेतल। लुक हेतल, लुक तो हेतल, हेतल हेतल, लुक तो हेतल। हेतल मुझसे दूर मत जाओ हेतल। मैं तुम्हारी अपनी पत्नी हूँ ना हेतल। काजल व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये शेखर नहीं, ये तुम्हारा हस्बैंड मोहित है। आप तो कुछ नहीं पता। देना मेरा बेईमान पति है। मतलब? अरे तुम ते ने लेने ना। तुम कौन? हाँ तुम ते मेले में ना मेरा हाथ खोल के गायब हो गया था। वो तो तलते तलते। क्या तल रही थी तुम? तलते तलते चलते 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 तलते तलते ना मैं कहीं तिल गई। मैंने तो लग गई थी माथे में तो ना मेरी दादा धो गई। याददाश्त ना मेरी धो गई थी। अरे मेरा लफंदा पति तूने की भी धोती नहीं की मुझको। तू नहीं तकते थे मुझको। तू टा तू अरे हटो। मैं तुम्हारा लफंदर हस्बैंड नहीं हूँ। हाँ। एक मिनट देखो ये लफंदर है लेकिन तुम्हारा पति नहीं। ओके ए तुप। क्या तुप? तुप, तुप। आज चुप। देना मेरा ही पति है क्योंकि ना कादू के नाम थे ना। कद्दू कादू कादू काजू काजू कादू के नाम थे ना। थिल्क मिला थेतली मुझे पुतालता है। एक मिनट व्हाटएवर योर नेम इज तुम्हें अपने हस्बैंड का चेहरा भी याद नहीं? अले बहुत अच्छी तरह से याद है मुझको। दे तो मेरा बदमाश पति है ना थैला बदल के तुम लाए। कौन सा थैला? मेरे पास तो है नहीं कोई थैला वैला। थैला कौन सा थैला? थैला चेहरा। हाँ। चेहरा 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 बच्चा बच्चा चुप गई हो काजो। अरे बाप रे कॉल इतनी आज कौन? काजू काजू नाराज हो क्या? मैं तुम्हारा शेखर हूँ। दूर रहो दूर रहो। बात में तुम भी दादी तुम कहाँ छोड़कर चले गए? अरे मैं नहीं तो हाथ छोड़ो हाथ छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो मेरा शेखर दादी मैं। अरे शेखर देख क्या रहा है लाद इसे अपने कंधे पर और ले चल गो। दे तुम क्या तल रहे हो तेतल क्या तल रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं तल रहा हूँ मैं। मेरे पास आ दो तेतल मेरे पास आ दो तुम। मम्मी हा? ये काजी पराये मर्द को शेखर कहकर क्यों बुला रही है? देखो तो डोंट वरी हम ये सारी गलत फैमिली को दूर कर देंगे। मेरा मतलब गलत फैमिली को दूर कर देंगे। अरे कैसी गलत फैमिली? अभी अभी ये किसी पराये मर्द को शेखर शेखर कह के बुला रही है। मैं हूँ। नो 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 ये वो नहीं है। अरे क्या ये वो नहीं है? अभी अभी हमारी काजू किसी टपोरी के पीछे शेखर कहते कहते हुए भागी। एक्सक्यूज मी वो टपोरी नहीं था मेरा बेटा था अवस्थी। एंड यू नो जो लड़की उसके पीछे भागी थी वो आपकी बहू है। अरे यही तो है वो काजू। दादी जी मैं हूँ। अरे तो किसी पराये मर्द को शेखर कहकर क्यों बुला रही थी? दादी जी मैं हूँ। ऐसा मत करो काजू मैं फिर से बीमार पड़ जाऊंगा मर जाऊंगा। मैं तुम्हारा पति हूँ तुम मेरी बीवी हो समझ समझो। ये 10 लाख बहुत भारी पड़ गए मुझको। मुझे तोल के मत डाल चेतन मैंने पकड़ लिया। अरे छोड़ो छोड़ो मुझको छोड़ो। वो है तुम्हारा शेखर वो है देखो। वो है तुम्हारी काजू तुम्हारे सासू मैया। सासू मैया
शेखर, मेरा शेखर, मुझे सब याद आ गया, मुझे सब याद आ गया मुझे, शेखर, काजू, काजू, थोड़ा बाजू, काजल, काजल, शेखर, काजू, शेखर, काजू काजू कहाँ चली गई थी तुम? चली गई थी। कुंभ के मेले में मेरा हाथ छोड़कर चले गए थे तुम। ढूंढ नहीं सकते थे, इतनी परेशान हुई थी ना, छोड़ नहीं सकते थे मुझे लफंडर कहीं के।